लैया में पापे सोने के तोल तुनने लगे हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 5 ग्राम वजन कम होने पर ताजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। पहली दफा लैया की तारीख में हुआ है कि 5 ग्राम वजन के ऊपर FIR काटी गई है। 5 ग्राम या 1 ग्राम या 2 ग्राम 3 ग्राम हमेशा वजन कम होता है क्योंकि फूड का आइटम सूखता है और वो वजन कम करता है। 20,000 पे जुर्माना दें, 20,000 नहीं दे तो FIR काटेंगे, FIR नहीं होगी तो साथ में दुकान भी सील होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना शहरोज साजिद, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, लैया में पापे सोने के तोल तुनने लगे हैं। अगर बात की जाए तो थाना सिटी की हदूद में गुज़श्ता दिनों जो है कार्रवाई अमल में लाई गई है, जब जिसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 5 ग्राम जो है वजन कम होने पर ताजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस पर ताजरान की जानिब से क्या रद्द अमल आ रहा है, हमारे साथ सदर अंजुमन ताजरान अजहर खान हांस मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, बताइएगा कि ये क्या कार्रवाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले शहरोज़ भाई आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। असल में जो ये मामला जो चल रहे हैं ना जी, ये मैं समझता हूँ कि शेख तौकीर अहमद मजिस्ट्रेट साहब की कोई ज़ाती ना होगी, क्योंकि ये पहली दफ़ा लैया की तारीख में हुआ है कि 5 ग्राम वज़न के ऊपर FIR काटी गई है, जिसमें अंजुमन ताजरान का किरदार बड़ा अहम और मुस्बत था। जब ये कार्रवाई हो रही थी तो मेरे चेयरमैन साहब तनवीर अहमद ख़ान साहब उधर मौके पर पहुँच गए, तो उसमें उन्होंने देखा कि 10 पैकेट या 12 पैकेट या 9 पैकेट जो हैं वो उन्होंने चेक किए, उसमें वज़न पूरा और उसके ऊपर 5-6 ग्राम वज़न ज़्यादा ज़ायद था। लेकिन जब एक पैकेट खोला गया तो उसमें 5 ग्राम वज़न कम हो गया। लेकिन फूड के आइटम में मैं बताता चलूँ कि 5 ग्राम या 1 ग्राम या 2 ग्राम 3 ग्राम हमेशा वज़न कम होता है क्योंकि फूड का आइटम सूखता है और वो वज़न कम करता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब हमने मजिस्ट्रेट साहब को रिक्वेस्ट की, मेरे चेयरमैन साहब ने, कि देखें ये वज़न कोई इन्होंने काम नहीं किया या इन्होंने कोई रेट पर काम नहीं किया, रेट सारों का एक है, जो गवर्नमेंट ने रेट तय कर दिया है उसके मुताबिक हम सेल कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके सामने हैं, वो वज़न भी देख रहे हैं और नीचे भोर भी पापों की जो है वो आपके सामने है, लेकिन उन्होंने नहीं जी 20,000 रुपये जुर्माना दें, 20,000 नहीं दे तो FIR काटेंगे, FIR नहीं होगी तो साथ में दुकान भी सील होगी। तो मेरे चेयरमैन साहब ने कहा कि किस तरह दुकान सील होगी, कौन सा इन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया है कि जिसकी इनको इतनी सज़ा दी जा रही है। उस उन्होंने जो रवैया और जो उन्होंने अपना सिस्टम करना, अपने मजिस्ट्रेट का अपना जो ऑफिसरी थी उन्होंने जो बताई, उन्होंने कहा नहीं जी मैंने ये दुकान सील ही करनी है। खैर हम डट गए कि हमने कहा हम दुकान सील नहीं होने देते, आप जो इस 5 ग्राम का फाइन है जितना बनता है गवर्नमेंट की तरफ से बनता है या इस दुकानदार की लिमिट के मुताबिक या इस अवाम की लिमिट के मुताबिक आप इसके ऊपर जुर्माना कर दें, 2,000 है, 3,000 है, 5 ग्राम का, जिस तरह आपका दिल करता है कर दें, 20,000। पहले हमारी अवाम जो है महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, बड़ी मुश्किल से हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और फेडरल गवर्नमेंट ने महंगाई के ऊपर काबू पा रहे हैं, तो आप ये जो हमारा सिस्टम है जो हमारी इंतज़ामिया के साथ है, DCO साहबा, अमीरा बेदारा साहबा, और हमारा जो किरदार है हमारी गवर्नमेंट के साथ बहुत अहम है, और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट इंतज़ामिया और हमारा जो है बड़े अच्छे रिलेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं समझता कि ये जो क्यों सिस्टम को हमारे को ख़राब किया जा रहा है और इस तरह की जो हरकत है, मैं ये समझता हूँ कि ये हरकत हैं। पहले अच्छा ये बताएं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से पहले किस किस्म की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। पहले भी एक जो है लब नीलम पुल पर बोदला बेकरी थी, उधर भी जो है ना इस किस्म की एक हरकत हुई जिसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे मामलात आपस में डिस्टर्ब हुए, लेकिन अल्लाह की करम नवाजी से और मैं DPO साहब और अपना मैडम साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, बड़े खुशफहमी से ये मामला हल कराया और हम फिर एक अच्छी दौड़ में शामिल हो गए इंतज़ामिया और अंजुमन ताजरान, क्योंकि ये एक चोली दामन का साथ है, आज मैं हूँ कल कोई और होगा उसके बाद कोई और होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छी रहे, क्योंकि हमने सार्फीन और ताजर जो है इन दोनों को रिलीफ देना है। ताजर हमारा अगर गिरा फरोशी करता है, ताजर हमारा नजायज़ तजावजात करता है, नजायज़ आवाम से उनसे नजायज़ रकम वसूल करता है, तो फिर उसके ऊपर जुर्माना होना चाहिए। जो बड़े ताजर हैं वो जब खुद मनमानियाँ करते हैं तो उस वक्त आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स होता है? जी आप हमारा अरसा 10 महीने हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला, 10 महीने में आप चेक करें कि हमने कभी किसी ताजर को नजायज़ मामलात में उसकी कभी फेवर नहीं की, क्योंकि ये लैया मेरा अपना है, लैया की आवाम मेरी अपनी है। अगर मैं आज एक ताजर को फेवर देता हूँ कि आपने गिरा फरोशी करनी है तो फिर मेरे सदर रहने का कोई हक नहीं बनता। मैं आवाम का भी सदर हूँ, मैं अपने अंजुमन ताजरान का भी सदर हूँ, मेरे लिए पहले मेरी आवाम है फिर मेरे ताजर हैं।
ताजर, क्योंकि पहले अवाम ही सारा कुछ होती है, अगर अवाम ना हो तो ताजर क्या करेंगे। तो मेरे लिए सार्फीन और मेरे ताजर आँखों का सरों का ताज हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी मजिस्ट्रेट साहब ने ज्यादती की है, तो कैंडली मैं मैडम साहबा से गुजारिश करता हूँ, एक तो FIR को खारिज किया जाए, क्योंकि FIR एक ताजर पर होना, आप आज के दौर में समझते हैं कि कितने मामलात हैं, कितने खर्चे हैं, तो इससे बेहतर था वो आपको 20,000 रुपया ही दे देता। तो कैंडली मेरी गुजारिश है कि उसके ऊपर एक नजायज FIR हुई है, और मैं समझता हूँ कि इस FIR को फिर फिलोर ख़त्म किया जाए और ताजर को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि इसमें मेरा ताजर कसूरवार नहीं है। अगर मेरा कसूरवार ताजर होता तो मैं कभी उसकी फेवर ना करता। सदर साहब, आप ताजरान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं ताजरान और सार्फीन, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरी और ताजर बिरादरी और मेरे सार्फीन, मेरी अवाम मेरे सरों का ताज है, मेरे लिए दोनों आँखें हैं। मैं ये समझता हूँ, ताजरों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंतज़ामिया, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने बहुत अच्छे इकदाम कर रही हैं, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने महंगाई को मेरे हिसाब में जो पहले की नस्बत अभी कुछ कंट्रोल में है अब बिजली के बिलों के अलावा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा रिलीफ है, ये जो हमारा ये सिस्टम है, ये हमारी आवाम तक पहुँचना चाहिए। बेशक उसमें इंतज़ामिया का भी एक बहुत अच्छा किरदार है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना आवाम को रिलीफ देना, आवाम के साथ उनके सिस्टम में जाना, वो अजमन ताजरान का भी एक पुल का किरदार है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई हमारा ताजर इस गिरा फिरोशी में है तो उसके ऊपर बिल्कुल जुर्माना होना चाहिए, हम अपने इंतज़ामिया के साथ हैं। अगर कोई मजिस्ट्रेट या कोई इंतज़ामिया का बंदा हमारे ताजरों को नुकसान पहुँचाएगा, तो kindly आप, मेरी गुजारिश है कि आप उनका जो है ना एहतसाब करें कि भाई आपने 5 ग्राम पर किस तरह बनता है, कौन से कानून में है, किस तरीके से आपने उसके ऊपर FIR दिए। तो kindly इसको वार्निंग देकर, या हम देखें कसूरवार है तो हम अपना अजाला खुद करेंगे, आपने जो काम करना था आपने FIR काटनी थी काट दी। अगर हम बेगुनाह हैं, हमारा सिस्टम बेगुनाह है, तो kindly हमें उसका हक दिया जाए, हमारी FIR को खारिज किया जाए, और मजिस्ट्रेट साहब को भी समझाया जाए कि आइंदा प्लीज़ ऐसा काम ना करें जिससे अजमन ताजरान और ज़िले इंतज़ामिया का माहौल ख़राब हो। मेहरबान जी। बिल्कुल, आपने लिया से ये स्टोरीज देखी, मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए देखते रहिए डेली पॉइंट। अल्लाह निगहबान।